पैदल ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुबह के बज चुके हैं 7 और आज दिन है संडे का। तो आज बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है और मैंने प्लान बनाया है कहीं घूमने जाने का और साथ ही करेंगे एक छोटा सा व्लॉग भी। तो आइए देखते हैं। तो गाइस फाइनली हाथ मुंह धो के हम लोग तैयार हो चुके हैं नहा के और अभी हम डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है। तो हमने डिसाइड किया है लोकल एडवेंचर, यहाँ बाबा काजीनाग है। जी, बाबा काजीनाग का हमने डिसाइड कर लिया और अभी से शुरू करते हैं। पहले हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा, मोटरेबल रोड है बाय व्हीकल, और उसके बाद हम जाएंगे पैदल ट्रैक करके। हमारे साथ में है बशीर और चीता, तो चलो मिलते हैं। लेट्स गो, मिलते हैं। तो गाइज हम लोगों ने बाइकों में पेट्रोल भरवा दिया है, बाइकों का जो हवा है प्रेशर एयर प्रेशर चेक कर लिया है और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की जर्नी। ऑलरेडी लेट हो चुका है काफ़ी, फिर भी हम लोगों ने जल्दबाजी में प्लान बना लिया, देखते हैं। तो गाइज ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उड़ी मार्केट, अभी हम लोग उड़ी मार्केट से ही शुरू कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है काफ़ी अच्छा रहेगा आज का सफ़र। बहुत ही प्यारा सा मार्केट है हमारा। एक्चुअली द मोटिव ऑफ माय व्लॉग्स इज़ टू एक्सप्लोर द उड़ी, बॉर्डर टूरिज्म को थोड़ा सा फ़रोग देना, उड़ी को एक्सप्लोर करना मेरा मोटिव ही यही है। तो विंटर का सीज़न चल रहा है और काफ़ी जो हम देखेंगे मतलब सुना सुना सा लग। तो गाइस 3-4 किलोमीटर उड़ी मार्केट से हम लोग चल गए हैं, यानी कि निकल चुके हैं। सो वी पीपल आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स बाबा काजीनाग। रास्ते में हमें बहुत सारे गांव मिलेंगे, तो चलिए चलते हैं बाबा काजीनाग। तो हम लोग इंट्री ले चुके हैं सलामाबाद मार्केट में, जो कि श्रीनगर मुजफ्फराबाद नेशनल हाईवे पे है, जो कि पाकिस्तान की तरफ कारवां अमन पास जाती थी, वो भी यहीं से जाती थी। गाइज बहुत सी जगहें हमने स्किप किया है क्योंकि कंटेंट के नाम पे रोड दिखाने का कोई भी फ़ायदा नहीं था, तो हमने बहुत सी जगहें पीछे जो हैं कट लिए हैं बहुत सारे और बहुत सारा स्किप किया है। तो गाइज़ हम लोग पहुंच चुके हैं कमल कोट, और कमल कोट का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब भी मैं यहाँ कभी आता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे रुकना। और थोड़ा सा रुके हैं हम और उसके बाद फिर से शुरू की है जर्नी। हमने कमल कोट मॉडल विलेज में एंट्री ले ली है और मॉडल विलेज में एंट्री लेते ही हमें यहाँ की मॉडल सड़क भी दिखनी शुरू हो गई है। लेट्स होप कि आगे कुछ अच्छा हो, बट डेफिनेटली हमें जो है ऊबड़ खाबड़ रास्ता ही मिलने वाला है। तो व्यूअर्स रोड ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से हमने शुरू किया है पैदल ट्रैक। देखते हैं कितने टाइम में हम पैदल ट्रैक जो है पूरा कर लेते हैं। वैसे उतना लंबा जो है ट्रैक नहीं है, बट इस खूबसूरत व्यू को देखते देखते लगता है काफ़ी जल्द ही पहुँच जाएंगे हम ऊपर अपने स्पॉट पे, डेस्टिनेशन पे। तो ये वाला जो ट्रैक है इस पर चल के हमें जाना है ना।
जब मैं आया हुआ था पहले, काफ़ी टाइम पहले, तो बहुत नीचे जो लास्ट हैबिचुअल विलेज था कमलकोट, वहाँ से पैदल चल के आना पड़ता था। बट नो अदर सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। तो गाइस, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही है श्राइन बाबा काजी नाग का, और यहाँ तक हमें जाना है पैदल ट्रैक करके। दिखने में काफ़ी नज़दीक दिख रहा है, बट काफ़ी लंबा रास्ता है वहाँ तक। एक जो रास्ता है ये खड़े पहाड़ में है, और मुझे हाइट फोबिया है, सो लिटिल बिट मुझे डर सा लगता है। एंड अनदर थिंग इज़ दैट कि बंदा जब निकले ना, तो घर से थोड़ा सा सवेरे निकले, 7-8 बजे के करीब, सो दैट कि धूप निकलने से पहले ही यहाँ पहुँच जाए। सो गाइस, ब्यूटीफुल व्यू है, यू पीपल रियली एंजॉय इट। मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। बर्फ है एक पहाड़ पे सामने, और ये कितनी हाइट पे है इसका अंदाजा इस चीज से लग सकता है। तो गाइस, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। शायद हम लोग गलत थे, हमें वहाँ से डेस्टिनेशन दिख गया था, मगर इतना नज़दीक नहीं है जितना कि दिखा था। अभी हमें काफ़ी और चलना है। मेरे बाकी साथियों में से एक ही बंदा अभी मुझे दिखा है, और बाकी लोग पीछे चल रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा था, होप सो कि वो भी बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ज़ियारत बाबा काजी नाग पर। तो हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां जहां हमें सही लगेगा वहां वहां हम लोग आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मोस्टली हम लोग अंदर कैमरा अवॉइड ही करेंगे। सो हम जब नीचे उतरे तो हमने यहाँ क्या देखा कि यहाँ लोकल्स ने आज एक भंडारा ऑर्गेनाइज किया था, तो हमें लगा कि हमें भी यहीं लंच कर लेना चाहिए। जो हमने कैरी किया हुआ था, हमने भी इनके साथ मिलके यहाँ लंच कर लिया। तो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़ियारत की डिटेल या इसके बारे में कुछ बोलना हम तो भूल ही गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम के कम होने के कारण हमने लास्ट पे ज़ियारत की डिटेल बता दी है। तो फाइनली ज़ियारत के बाद हमने डिसाइड किया कि हम थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे, फ़ोटोग्राफी और थोड़ी सी हमने जो वीडियोस यहाँ पे बनानी थी वो हमने बनाई, और हमने थोड़ा सा टाइम उस चीज़ के लिए स्पेंड किया। और उसके बाद हमने फैसला किया कि काफ़ी देर हो चुकी है और रास्ता भी जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, तो हमने फिर यहाँ से निकलने का फैसला कर लिया। सो इट इज़ नियर अबाउट 4 o'clock एंड फाइनली वी पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हियर। No, the journey has
टू बी एंडेड और हम लोग वापस घर की तरफ निकल रहे हैं। सो अब हमारा ये रहेगा कि हम कब बाइक्स के पास पहुँचें और वहाँ से हम चलें, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब है नीचे। तो अभी फाइनल यही है कि हम घर की तरफ चलें।